निगरान हुकूमत का इलेक्शन के लिए माहौल साजगार बनाने का मिशन। निगरान हुकूमत का तहरीक इंसाफ की कयादत से राबिता। निगरान वजीर इत्तला'आत मुर्तजा सोलंगी की रहनुमा पीटीआई शफकत महमूद से मुलाकात। सियासी जमातों के लिए इंतखाबात में शिरकत के मुसावी मवाकों से मुतल्लिक तबादलों का ख्याल। शफकत महमूद का कहना है कि पीटीआई को बराबरी की सतह पर सियासी सरगर्मियों का मौका नहीं मिल रहा। तहरीक इंसाफ इंतखाबात के साफ शफाफ इनेकाद के लिए हर मुमकिन तआवुन के लिए तैयार। मुल्क को मुआशी तबाही के गड़े से फिर निकालेंगे। 21 अक्टूबर वादों की तकमील के नए दौर का आगाज है। नवाज शरीफ की क्यादत में आवाम की उम्मीदों को फिर पूरा करेंगे। मुस्लिम लीग के सदर शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। कायद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के इंतजाम पर तबादला ख्याल। नून लीग का पार्टी डिसिप्लिन सख्त करने का फैसला। नवाज शरीफ की वतन वापसी से कबल अहम रहनुमा उसूल वाजा कर दिए गए। पार्टी जराए के मुताबिक तमाम रहनुमाओं को पार्टी उसूलों में हर किस्म की तनकीद और इख्तलाफ राय की मुकम्मल आज़ादी होगी। फैसले पर अमल दरामद न करने वाले रहनुमाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हर महकमे में शिकायत के अजाले के लिए कमिश्नर्स तैनात करने का फैसला। कमिश्नर्स महकमों से मुतल्लिक शिकायत के फौरी अजाले के लिए इकदाम करेंगे। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की जेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। रोड और एग्रीकल्चर मार्केट अथॉरिटी के दरमियान माहिदों की मंजूरी।